नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग एक अपना प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड किया है, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। की प्रिंसिपल है नो टू इलेक्ट्रॉन्स, इतने तुसी वर्ड ऐड कर सकते हो इन एन एटम। कैन हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम। हाँ जी, इस तो पहला वाले लैक्चर बेटा असी डिस्कस किया क्वांटम नंबर्स, देयर आर मेनली फोर क्वांटम नंबर्स एन एल एम एल एंड एस, और यू कैन सी एम एस, बट यूजली असी एस ही यूज करते हैं। दिस इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज़ योर एजीमुथल और सब्सिडरी और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दिस इज़ योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड दिस वॉज योर स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इफ वी टेक एन इज इक्वल टू वन, देन एल दी केड़ी वैल्यू पॉसिबल है, ओनली जीरो, एम एल ऑल्सो जीरो, एंड एस विल हैव आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो हम इतो थानू बिल्कुल क्लियर है कि ये चारों दे चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, अगर तुसी एन टू भी लिखने की कोशिश करोगे, एल विल बी इक्वल टू आइदर जीरो और वन, अकॉर्डिंगली एम विल बी जीरो और माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन, एंड अगेन योर एस मी स्पिन क्वांटम नंबर विल बी आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ। मीन्स कभी भी जो एक ऑर्बिटल दे विच दो इलेक्ट्रॉन्स होंदे ने, उना दे विच चारों क्वांटम नंबर जिहड़े आ वो सेम नहीं हो सकते। हुण जिहड़ा ऑर्बिटल है बेटा वर्ड, वो किस लई असी यूज कीता सी, फॉर एम एल, बिकॉज इट इज़ मेनली योर शैल, इट इज़ योर सब शैल, दिस इज़ योर ऑर्बिटल, एंड दिस इज़ सिंपली द स्पिन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एक जो ऑर्बिटल है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल है जिदे लिए एम एल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो पॉलीज ने इस चीज़ को भी नाल ही एक्सप्लेन किया, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। जो भी एक ऑर्बिटल है उस दे विच मैक्सिमम किन्ने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते ने बेटा, टू। ठीक है, हुण देखो जे असी गल करिए कि एम एल इज इक्वल टू जीरो, तो उहदे लई एल भी किन्नी है, जीरो, बट एम एल जीरो का मतलब यह की है एक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल नू असी अगे टॉपिक करांगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उस दे विच असी ऑर्बिटल नू यूजुअली इदां रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एम एल जीरो रिप्रेजेंट करता है जदों एल जीरो है। देखो, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, तो एम एल दी वैल्यू कितनियां हो सकदियां ने, ओनली जीरो। तो ये तुहानूं मैं पहला वाले लैक्चर च दस चुकी हाँ कि जदों एल जीरो हुंदा है तो इहदा मतलब वो केड़ा ऑर्बिटल हुंदा है बेटा, एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल दे विच
सिर्फ एक ऑर्बिटल है क्योंकि एम एल दी वैल्यू सिर्फ किन्नी है जीरो, मीन सिर्फ इक्को ही वैल्यू पॉसिबल है, तो एस ऑर्बिटल दे विच मैक्सिमम दो ही इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलीज, ठीक है। और ये जो दो इलैक्ट्रॉन ने इन्हों की स्पिन भी जो है वह ऑपोजिट होनी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि दो इलैक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल दे विच कदी भी सेम स्पिन दे नाल प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर सेम स्पिन हो जाएगी तो उन्होंने रिपल्शन होने के बहुत चांसिज ने, तो उन्होंने स्टेबिलिटी घट जाती है, एक क्लॉकवाइज घूमता तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस करके एक ऑर्बिटल दे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन्स है, ओनली टू, और वो जिहड़े दो इलैक्ट्रॉन्स ने उन्होंने स्पिन हमेशा की होएगी ऑपोजिट। सिमिलरली जे तुसी एल दी वैल्यू वन लैने हो, तो अगर एल वन है तो वह कौन सा ऑर्बिटल होंगे, तुहानू कल भी दस पहला वाले लैक्चर भी आप डिस्कस किया कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। बट जे एल दी वैल्यू वन है तो एम एल दियाँ केड़ियाँ केड़ियाँ वैल्यूज पॉसिबल ने, माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन, मीनस जिहड़ा पी ऑर्बिटल है ओदे पी सबशैल है, ये बेटा पी सबशैल है, जिहड़ा ये पी सबशैल है किन्ने ऑर्बिटल हो गए, तीन, वन टू थ्री, असी इन्हें इदा रिप्रजेंट करते हैं। तो हम एक ऑर्बिटल किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, टू, तो यह मतलब जो पी सबशैल है ओदे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सिक्स, क्योंकि जो पी सबशैल है वो किन्ने ऑर्बिटल्स बन गए बेटा, तीन, एक दो तीन, तो एक ऑर्बिटल किन्ने इलैक्ट्रॉन है मैक्सिमम, टू, तो थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है। इस तरीके नाल अगर तुहाडे कोल एल होवे टू तो यह मतलब एक केड़ी सबशैल है, डी, ठीक है। तो एम एल दियाँ केड़ियाँ वैल्यूज हो गई, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन एंड टू, फाइव हो गई, मीनस अगर तुहाडे सबशैल डी है तो किन्ने ऑर्बिटल्स ने, फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो डी नूं असीं किदां ड्रॉ करते हैं, इदां वन टू थ्री फोर फाइव, और हरेक दे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, टू, तो इहदा मतलब डी सबशैल दे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन जा सकते ने, टेन, ठीक है। तो इट मीनस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो सानू पता लग जाता है कि वो मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिदा एस ऑर्बिटल है ओनली टू, पी है तो सिक्स, डी है तो टेन। इस तरीके नाल जे तुसी एफ लिखोगे बेटा वो किन्ने बन जाएंगे, फोर्टीन, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला होंगे बेटा जिहड़ा तुसी याद रखना, फॉर एनी शैल एन द मैक्सिमम नंबर ऑफ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टू एन स्क्वेयर, ठीक है बेटा। जेडी भी वैल्यू एन है उसका स्क्वेयर कर दो, ठीक है, वो की बन जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो जे टू एन स्क्वेयर कर दोगे वो की बन जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हुण जिवें कि मान लो असी लईए इफ एन इज इक्वल टू टू, चलो ठीक है, तो इहदे विच ऑर्बिटल्स किन्ने बनेंगे, एन स्क्वेयर मीनस टू द स्क्वेयर मीनस फोर, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन्स किन्ने बन जाएंगे, टू इंटू एन स्क्वेयर, दो गुना चार, इट इज़ इक्वल टू एट, ठीक है।
हाँ जी ए जे हुण असीं इहनूं दूसरे तरीके नाल भी अप्लाई करन दी कोशिश करिए जे एन टू है तो एल की है जीरो ते वन ठीक है हुण इफ एल इज इक्वल टू जीरो एम एल इज इक्वल टू जीरो ठीक है इफ एल इज इक्वल टू वन एम एल इज इक्वल टू माइनस वन जीरो ते प्लस वन तो हुण असीं ऑर्बिटल कित्थों देखते हैं बेटा एम एल तो तो काउंट करो किन्ने बन गए एक दो तीन चार ठीक है तो हरेक ऑर्बिटल च मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन पाने असी टू टू फोर सिक्स एट एट ठीक है मीन्स तुसी डायरैक्टली एन दी वैल्यू तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ते नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नू भी काउंट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू एन स्केयर एंड नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इज इक्वल टू टू एन स्केयर ठीक है नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स देखो बेटे व्हाट सबशेल्स आर पॉसिबल व्हाट सबशेल्स आर पॉसिबल फॉर एन इज इक्वल टू थ्री नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर एन इज इक्वल टू थ्री दो चीज़ा पूछिया ने बेटा सबशेल्स एज वेल एज ऑर्बिटल्स तो सबशेल्स जो सबशेल्स होंदिया ने बेटा वो दे लिए मैं तुहानू फॉर्मूला दसना भूल गई नंबर ऑफ सबशेल इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एन ठीक है इतने ना मैं सानू साइड पे लिख रही है ना नोट कर लो नंबर ऑफ सब शेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टू एन स्क्वेयर ठीक है होर एन की है तुहाडा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल की सी बेटा तुहाडा इनू असी की कह सकते हैं सबशेल एम एल की दसदा सानू ऑर्बिटल्स बारे ठीक है और एस की दसदा सानू स्पिन क्वांटम नंबर ठीक है बेटे हुण असीं इहदी हैल्प दे नाल इस न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करदे हाँ तां तुहानूं उहनां ने पुछिआ वट सबशेल्स आर पॉसीबल फॉर एन इज इक्वल टू थ्री इत्थे बेटे वट सबशेल्स है ना कि नंबर ऑफ सबशेल्स है जिदा नंबर ऑफ सबशेल्स पुछियां होंदियां असीं डायरैक्टली फॉर्मूला लगा देंदे इट इज़ इक्वल टू एन मीनस किन्नियां सबशेल्स पॉसीबल होणगियां थ्री क्योंकि एन की वैल्यू किन्नी है थ्री बट उन्होंने क्या वट का मतलब केड़िया केड़िया तो सबशेल सानू कितों पता लगदिया ने बेटा एल तो एल की वैल्यू किवें वेरी करती है जीरो टू एन माइनस वन मीनस जीरो टू थ्री माइनस वन जीरो टू टू इट मीन्स जीरो वन टू ठीक है मीन्स केड़िया सबशेल्स पॉसिबल ने जीरो वन टू ठीक है जीरो का मतलब एस सबशेल वन का मतलब पी सबशेल एंड टू का मतलब डी सबशेल
क्लियर बेटा जे तो इतों पूछा होंदा हाउ मैनी नंबरस ऑफ सबशैल तो तुसी फॉर्मूला लगा देना सी नंबर ऑफ सबशैल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन मीनस योर आंसर विल बी थ्री बट हुण इत्थे उन्होंने पूछा वट मीनस जिहड़ियां उह तीन ने उह किहड़ियां किहड़ियां ने बेटा एस पी एंड डी नैक्सट क्वेश्चन है अपना हाउ मैनी हुण इत्थे तुहानूं नंबर पूछ लिया तो बी पार्ट का जिहड़ा सोल्यूशन है असीं सीधा लगा सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू टू सॉरी एन स्क्वेयर मीन्स थ्री द स्क्वेयर नाइन सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू नाइन चाहे तुसी फॉर्मूला लगा दो बेटे जे तुहानूं ये फॉर्मूला भुल जाता है तो तुसी हरेक एल लई एम एल दी वैल्यू अलग अलग कटनी है ये आपां पहला भी डिस्कस किया है मैं बार बार कह रही हूँ इफ एल इज इक्वल टू जीरो एम एल इज इक्वल टू जीरो इफ एल इज इक्वल टू वन एम एल माइनस वन जीरो प्लस वन इफ एल इज इक्वल टू टू दैन एम एल विल बी इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू तो हूँ इन्हों काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ तो नौ ही ऑर्बिटल्स तुहाडे कोल बनते पे ने क्लीयर तो इस तरीके असी कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटिड टू डिफरेंट क्वांटम नंबरस सॉल्व कर सकते हैं ठीक है हुण एक जो लास्ट न्यूमेरिकल है जिहड़ा कि एग्जाम्स दे विच पुछिया जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसीबल ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स Which of the following orbitals are not possible? ठीक है तो तुहानू combination दिता है n is equal to zero L is equal to 0, ML is equal to 0, and S is equal to plus half. Second dita hoya hai N1, L0, ML0, S is equal to minus half. Dita hoya hai N1, L1, ML is equal to minus 0 and S is equal to plus half. इस तरीके ना तुहानू कोई भी कॉम्बीनेशन दिता हो सकता है हुण असी वन बाय वन देखना है अच्छा बेटा N is equal to 0 possible है No. तो first answer आ जाएगा It is not possible. क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होल नंबर शुरू कितों होंगे ने वन तो एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो इतने तुसी लिख दोगे नॉट पॉसीबल ठीक है बेटा सैकेंड एन वन एल जीरो हूँ देखो जे एन वन है तो एल जीरो हो सकता है यस ठीक है तो जे एल जीरो है तो एम एल जीरो हो सकता है यस तो इस करके इलैक्ट्रॉन तो माइनस हाफ वो स्पिन हो सकती है तो यह की हो गया पॉसीबल नैक्सट एन वन एल वन तो तुसी याद करो कि एन ते एल दी वैल्यू कदी भी बराबर नहीं होंगी क्योंकि एल की होंगे एल वेरीज फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन मीनस जिहड़ी एल है वह कभी भी एन के बराबर नहीं हो सकती तो इतने एन ते एल दी वैल्यू सेम दित्तियां हुई हैं सो दिस इज अगेन नॉट पॉसीबल क्लीयर बेटे तो इस तरीके नाल तुहानू कोई भी न्यूमेरिकल सैट किया जा सकता है एग्जाम दे विच ठीक है रिगार्डिंग द डिफरेंट क्वांटम नंबरस क्लीयर हाँ जी जो नैक्सट टॉपिक है अपना सिलेबस दे विच That is your shape of orbitals. ठीक है हुण असी ऑर्बिटल केड़े केड़े पढ़े ने बेसिकली बेटा एस पी एंड डी
एक्चुअली एस पी डी है जिहड़े वो ऑर्बिटल्स नहीं है, उन्होंने असी पहला यूज करते हैं एज सब शैल। ठीक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस ऑर्बिटल, देन पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल। ठीक है, हुण एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल दे विच असीं की देखिया सीगा कि सिर्फ इक्को ही ऑर्बिटल हुंदा है एस सब शैल दे विच, ते इस करके उहदे विच आपां कहा सी कि एस दे विच मैक्सिमम किन्ने इलैक्ट्रॉन्स आंदे ने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जिहड़ी एस ऑर्बिटल दी शेप है, एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज स्फेरिकल। ठीक है, मीन्स लाइक दिस। ठीक है, तो इहदे विच भी जिथे दा एटम दा न्यूक्लियस है सेंटर दे विच, उस दे अराउंड दा जो इलेक्ट्रॉन दी डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हुंदी है। ठीक है, मीन्स इत्थे इलेक्ट्रॉन्स दे होण दे चांसेस ज़्यादा है। जिवें जिवें असी दूर जाने तो इलेक्ट्रॉन दे मिलन दी डेंसिटी थोड़ी जी घटती जाती है। लाइक दिस, इस तरीके ना तुसी इसनों सारे नू फिल कर देना। तो ये केड़ा ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। ठीक है, हुण मान लो असी 2s ऑर्बिटल बनाना है, तो 2s ऑर्बिटल है जिहड़ा वो 1s ऑर्बिटल तो थोड़ा जा साइज दे विच बड़ा हुंदा है। ठीक है, एक होर डिफरेंस की हुंदा है कि जिहड़ा 2s ऑर्बिटल है, देखो आ जिहड़े डॉट्स ने ये की दस रहे ने कि इन्हां दे किसी भी रीजन दे विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बट जो 2s ऑर्बिटल आंदा है तो उहदे विच एक रिंग देखन नूं मिलदी है इत्थे, तां इलेक्ट्रॉन है ते इत्थे भी इलेक्ट्रॉन्स हैगे ने, पर जिहड़ी मैं आ रिंग बनाई है बेटे, इत्थे मैं कोई भी डॉट नहीं ड्रॉ किया आ वाले एरिया च। ये जिहड़ा एरिया है जिथे रिंग है उसनों की कहा जाता है, नोडल एरिया और सिंपली नोड। नोड की हुंदी है बेटा, जिथे इलेक्ट्रॉन कदी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, 2s दे विच किन्निया नोड्स दिखदियां ने सानू, ओनली 1। इस तरीके नाल जे तुसी 3s ड्रॉ करना है तो उस तो भी बड़ा कर दो, तो उहदे विच एक चेंज की आ जाएगी तुहाडे कोल, इत्थे इलेक्ट्रॉन्स हैगे ने। ठीक है, फिर इत्थे भी इलेक्ट्रॉन्स हैगे ने और इत्थे भी इलेक्ट्रॉन हैगे ने, किथे किथे मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए, एक तो आह वाली रिंग दे विच ते एक आह वाली रिंग दे विच। मीन्स जिहड़ा 3s है इहदे विच किन्नियां नोड्स सीगियां, 1, ते 3s दे विच नोड्स किन्नियां बन गईयां, 2। ठीक है, तो असीं इहनूं याद किवें रखना है, जदों भी तुहाडा ऑर्बिटल s होवे तां नोड्स किन्नियां हुंदियां ने, n-1। हुण देखो जे 1s है तो 1-1 0 नोड, 2s n किन्ना हैगा 2, 2-1 1 नोड, 3s 3-1 2 नोड्स। इस तरीके नाल जे तुसी 4s बनाओगे तो उस किन्नियां नोड्स बन जाणगियां, 3 नोड्स। तो
एस ऑर्बिटल की शेप केड़ी है सफेरिकल ते नंबर ऑफ नोड्स ले की फॉर्मूला एन माइनस वन। इस तरीके जिहड़ा पी ऑर्बिटल है ठीक है, हुण पी का मतलब एल किन्ना वन ठीक है, पी का की मतलब है एल की है वन, तो जे एल वन है तो एम एल किन्ना हो गया माइनस वन जीरो एंड प्लस वन। मीनस जिहड़ा पी ऑर्बिटल पी सब शैल किन्ने ऑर्बिटल्स हो गए बेटा थ्री ठीक है, तो उन्होंने थ्री ऑर्बिटल्स नू असी ड्रॉ किवें करना है। मान लो कि तुहाडे कोल आ तीन एक्सिस ने एक्स वाई ते जेड ठीक है, तो जिहड़े पी ऑर्बिटल्स ने वह तीन ने केड़े केड़े, एक तो हैगा बेटा पी एक्स ठीक है जी, नैक्सट केड़ा है पी वाई ठीक है, और तीसरा केड़ा है पी जेड, ये केड़ा है पी एक्स, ये केड़ा है पी वाई, और ये केड़ा बेटा पी जेड ठीक है। तो ये हैगी थोड़ी शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, और इसनों केड़ी शेप कहा जाता है बेटा डंबल शेप। डंबल चक्या किसी लड़के ने कभी ठीक है, तो वो वाली शेप है डंबल शेप ठीक है। तो ये जो नोड्स का फॉर्मूला होंगे नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस टू ठीक है। मान लो जे असी कही टू पी तो एन की वैल्यू कितनी होगी टू, तो टू माइनस टू जीरो, तो टू पी ऑर्बिटल दे विच कोई भी नोड नहीं होएगी। जे असी करिए थ्री पी तो एन माइनस टू, थ्री माइनस टू वन, तो एक नोड बन जाएगी। फोर पी है तो टू नोड्स बन जाएंगे, मीनस नंबर ऑफ नोड्स के फॉर्मूला की हो गया एन माइनस टू। एस लिए केड़ा सी बेटा एन माइनस वन, एस की शेप केड़ी सी स्फेरिकल, पी की शेप केड़ी है डंबल। सिमिलरली जिहड़े डी ऑर्बिटल्स हुंदे ने, हुण डी लई एल किन्ना हुंदा है टू, तो एम एल किन्ना हो गया माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, तो किन्ने ऑर्बिटल्स बन गए बेटा फाइव ठीक है। ये जिहड़े तीन केड़े केड़े ने बेटा थोड़े पी एक्स पी वाई एंड पी जेड क्लीयर। तो इस तरीके जो डी ऑर्बिटल्स ने किन्ने है फाइव, उन्होंने नाम की है बेटा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड लास्ट इज योर डी जेड स्क्वेयर। केड़े केड़े एक्स तो शुरू कर लो एक्स वाई, अगला वाई जेड, तीसरा जेड एक्स ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बन गए बेटा तीन। फिर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ते लास्ट केड़ा है डी जेड स्क्वेयर। ये पांच डी ऑर्बिटल्स होंगे ने ठीक है। इन्हों की जिहड़ी शेप है वो डबल डंबल शेप होंगी है, डबल डंबल शेप। तो हुण असी इन्हां नूं ड्रॉ किवें करना है, मान लो कि तुसी डी एक्स वाई ड्रॉ करना है, तो फिर पहला तो तुसी तीनों एक्सिस बनाओगे एक्स वाई एंड जेड। हुण असी किहड़ा ड्रॉ करना है बेटे एक्स ते वाई, तो तुसी उनूं एदा एक्स ते वाई दे विचाले रखना है एक्स एंड वाई ठीक है बेटे। ये बन गया एक्स डी एक्स वाई, हुण असी बनाना है वाई ते जेड, एक्स
वाई जैड तो हम असं कितों शुरू करना है वाई तो जैड के विचाले वाई एंड जैड ठीक है जो तुम जैड तो एक्स बनाना है डी जैड एक्स थर्ड तुम कि बनाना है बेटा डी जैड एक्स तो हूँ असं इनू रखना है जैड और एक्स एक्सीस विचाले तो जैड के एक्स एक्सीस विचाले कि एक्सीस है एक्स सॉरी वाई तो वाई दे अलोंग बना दो फिर हैगा तुहाडा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये कि बेटा डी जैड एक्स ये कि डी एक्स वाई और ये कि डी वाई जैड तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर तो एक्स दे उपर ते वाई दे उपर एक्स एक्सिस दे अलोंग ते वाई एक्सिस दे अलोंग तो ये की बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ते लास्ट अपना बचिया डी जेड स्क्वेयर एक्स वाई जेड तो वो होंगे अलोंग द जेड स्क्वेयर ठीक है बेटे तो ये बन गए थोड़े फाइव डी ऑर्बिटल्स केड़े केड़े एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड योर डी जेड स्क्वेयर ठीक है तो ये जो नंबर ऑफ नोड्स ने नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू एन माइनस थ्री ठीक है हुण बेटे तुसी ज़्यादा प्रेशर नहीं पाना इन्हां दियां शेप्स से भी ये मैं किवें ड्रॉ कीती हैं समझ लोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है तुहानूं अगे भी हैल्पफुल रहेगी अगर तुहानूं हले ड्रॉ करनियां औखियां लगदियां ने तो जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे ने बेटे तुसी अपने वो टॉपिक्स अलग करी चलो जिहड़े तुहानूं लगता कि तुहाडे इस लैक्चर के थ्रू मीनस जिन्हें भी आप लैक्चर लै चुके हैं कि ज़्यादा क्लीयर नहीं हो रहे तो हरेक बच्चा अपनी नोटबुक से टॉपिक्स अलग नोट कर लो जिन्हों आप फिर रिवाइज़ कर सकी क्लास के जरूरत पैन पर बट इन्होंने जी चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो की है शेप ऑफ एस ऑरबिटल सफेरिकल नंबर ऑफ नोट्स एन माइनस वन फिर पी ऑरबिटल डंबल शेप नंबर ऑफ नोट्स एन माइनस टू दैन डी ऑरबिटल डबल डंबल शेप एंड नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू एन माइनस थ्री क्लीयर ठीक है हुण अपना एक मेन टॉपिक जो इस यूनिट का बचिया है वो है बेटा एनर्जी लैवल डायग्राम एंड हाउ वी फिल द इलैक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लैवल्स ठीक है मोस्ट प्रोबेबली अपना एक लैक्चर का टॉपिक रह गया तो उस दे नाल ही अपना सैकेंड यूनिट भी है जो वह कंप्लीट हो जाएगा ठीक है थैंक यू बेटा